और यहाँ अक्सर लोग मतलब मच्छी पकड़ने के लिए या फिर भारत फूल जिसे जंगली मशरूम बोलते हैं उसके लिए जाते हैं, जो कि 700-800 रुपये केजी के भाव से बिकता है। उसके लिए जब जाते हैं तो टाइगर से सामना होता है और टाइगर वहाँ पे इंसानों को मार देते हैं अक्सर। सूर्य का जंगल चल रहा है और यहाँ पे ये बेचारे कुछ अलग है, सीविट कैट। अरे वाह यार, ये है रेयर भाई। देखो भाई स्वीट कैट, हेलो जी साथी को, हेलो और बड़े को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम नाइट ड्राइव के लिए जा रहे हैं और आपको लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं नानक बत्ता के पास हूँ और हम पीलीभीत के आसपास के एरिया में पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे हम रुकेंगे और थोड़ा सा अपना काम भी है तो आप लोगों को लेके चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक जगह पे खाने के लिए रुके हैं तो वो ढाबा हम देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना काफ़ी टाइम के बाद, जैसे पहले मैं दिल्ली हरियाणा काफ़ी रहता था उस टाइम में, तो ढाबों में हम अक्सर खाना खाया करते थे, तो ये फीलिंग फिर से आज मिली है। तो यहाँ पे सफारी गाड़ी भी लगी है एक, अब बाकी अभी देखते हैं। तो जी ये है ढाबे की लाइफ, तो ढाबे में, और ये दाई हमारे, तो दाई सलाद बना रहे हैं। क्या हाल है दाई? क्या नाम है आपका? थापा जी। तो खाना कैसा होगा यहाँ ये बताओ। मजा आएगा है? तो ये किचन है और जी बाकी ये है अपना सिस्टम। आज यहाँ बैठाते हैं जी, पलटी मार के बैठ के खाएंगे। क्यों? सही मौसम हो रहा है भाई साहब। तो जी खाना आ गया अपना और फाइनली मतलब कि हम खाएंगे। और देखो इतना ज़्यादा खाना मैं अकेले तो नहीं खाऊंगा, तो मेरे साथ चल रहे हैं इस ट्रिप में अपने भाई कुलदीप और साथ में राठौर जी। तो अब बस खाना वाना खा के निकलते हैं राठौर जी। तो एक्साइटेड हो? तो हमारे जो राठौर जी है ना, ये यहाँ नहीं रहते, इंडिया में ही नहीं रहते, बाहर रहते हैं फॉरेन, ओमान ना। तो ओमान से राठौर जी अभी 4 साल के बाद ही इंडिया में आए और हम उनको सीधे नाइट ड्राइव लेके जाने वाले, क्योंकि वहाँ तो ये एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से नहीं होता होगा ऐसा कुछ जंगल वगैरह। हाँ तो यहाँ पे देखो वाइल्ड लाइफ के दर्शन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और बाकी जो है लक पे डिपेंड करता है। तो रोटी भी आ चुकी है, कैसा है? सही है, बढ़िया, ढाबा वाला हिसाब है एकदम। तो कई बार मतलब कई लोगों को यहाँ से टाइगर क्रॉस करते हुए भी दिखता है, और ये देखिए साइन बोर्ड। और यहाँ पे ना एक वाटरफॉल भी बना रखा है राइट साइड में। तो वैसे तो गाड़ी का एक्सेस नहीं है, बीच में रोड तोड़ी हुई है क्योंकि हाथी अक्सर वहाँ पे जाते हैं जंगली जंगल से पानी पीने के लिए, और हम अभी निकलेंगे सीधे। अब बस आप लोगों से ये अपील है, अभी हम जैसे उस एरिया में पहुँचेंगे तो मैं खिड़की भी थोड़ी सी खोले रखूँगा ताकि आप लोग जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ की आवाज़ है ना उसको ज़्यादा इन्जॉय करें,
देखेंगे जितना हो सकता है करीब से और उसको फील करेंगे, और आप लोग भी ऐसा ही करना, ठीक है। और कुछ साइटिंग होगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से। और देखिए जंगल से जस्ट बात ये चौकी है और यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बैठे हुए हैं आग वाग जला के, और जबकि ये मौसम ऐसा नहीं है कि आग जलाई जाए, लेकिन जंगल के आसपास के इलाकों में आग जलाई जाती है। उससे क्या होता है कि थोड़ा जानवर जो लेपर्ड वगैरह है, हाथी वाथी, वो आग के पास नहीं आता है। तो जी देखिए एकदम हम अब जंगल में एंट्री करने वाले हैं, तो ये मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो ये बॉर्डर है, उसके बाद जो ग्रीन दिख रहा है पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है सुरई का। तो यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया है और स्टार्ट हो गया आपका जंगल। तो यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया एकदम, तो ये सुरई का एरिया आ गया है। से मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइगर टेरिटरी में हम एंट्री कर रहे हैं। देखते हुए चलेंगे। ये देखिए एकदम सूर्य का जंगल चल रहा है और यहाँ पे ये बेचारे एनिमल्स कैटल्स जो छोड़े हुए हैं आसपास घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनको रिस्क कंटिन्यू बने रहता है। पूरे टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। तो जी शुरुआत हुई है पाम से, बिट से, तो जी अभी हम एंट्री कर गए हैं और आपका जो ये रूट है यहाँ पे काफी चांस है कि हम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस कर पाए। तो आराम से चलेंगे और आप लोगों को भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाने की, तो बने रहिए। ये साथ में हमारा मैप चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं ये रूट। अभी वैसे लेफ्ट में एक गांव है झाऊपटसा, तो वहाँ टाइगर ने बहुत लोगों को मारा एक टाइम में ना, तो बहुत गांव वाले तो छोड़ के जा चुके हैं। और यहाँ अक्सर लोग मतलब मच्छी पकड़ने के लिए या फिर भारत फूल जिसे जंगली मशरूम बोलते हैं उसके लिए जाते हैं, जो कि 700-800 रुपये केजी के भाव से बिकता है। उसके लिए जब जाते हैं तो टाइगर से सामना होता है और टाइगर वहाँ पे इंसानों को मार देता है अक्सर। कैमरा देना है तुम इसको पकड़ो। गाड़ी बंद कर दो आवाज़ से।
वहीं है। आ रहे आ रहे आ रहे आ गया 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 आ गया। तो यार इसको हमने कैप्चर करा, लेकिन थोड़ा आगे ना स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही है। देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। अभी रुक गई। अधूरी किसकी आ रही है? ये तो उल्लू है। तो इससे पहले जो अलार्म कॉल चल रही थी ना, वो नहर के पार चल रही थी, तो उस साइड पे मूवमेंट है। तो अभी हम इस साइड की मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे, अगर यहाँ पे कोई टाइगर की अगर मूवमेंट हमें मिलती है। तो हालांकि गाड़ियाँ चल रही है, तो जैसे नहर के बगल से अलार्म कॉल आ रही है ना, तो उसके बगल में ये फॉरेस्ट की रोड है, तो वहाँ टाइगर अभी चल रहा होगा। क्योंकि टाइगर की जो मोमेंट होती है ना, जो चलना पसंद करता है, वो चलना पसंद करता है तो फायर लाइन में, या फिर जो हमारा सफारी का ट्रेल होता है, जो ट्रैक होता है पक्के रोड में, या फिर जैसे अगर हमें यहाँ पे मोमेंट मिलेगी तो ये बीच रोड में चलता हुआ या फिर रोड के किनारों में चलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि उसको ना एकदम अच्छा रास्ता चाहिए, कांटों से भरा नहीं, एकदम सॉफ्ट रोड। गर्मी का टाइम है तो ये है कि नहर है इस साइड, तो नहर में पानी पीने के लिए आ सकते हैं एनिमल्स। बाकी देखो अच्छी सेटिंग हो गई हमारी जो शुरुआत थी। बाकी टाइगर के साथ साथ यहाँ भालू की भी मूवमेंट रहती है,
स्मॉल स्वीट कैट। तो जी ये दिखा हमें स्मॉल स्वीट कैट जो कि काफ़ी रेयर है, और ये देखो अपने सफारी जोन का गेट भी आ गया है। यार अभी किसी गाड़ी वाले ने, यार देखिए जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना गाड़ी इतनी स्पीड में चलते हैं ना, ये बेचारे वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सिटी इतनी रेयर ये कैट, बिग लॉस ब्लॉक में बोल रहा था ना, ये बेचारे एनिमल ऐसे रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो यार ये बेचारा मतलब ये मारा गया ना सिर्फ इंसानों की गलती से, ऐसे वाइल्ड लाइफ वाले एरिया में भी मतलब ज़्यादा स्पीड में चलाने का एक जो नुकसान बनना पड़ता है वो बेचारे एनिमल्स को बनना पड़ता है। तभी मैं बोल भी रहा था लास्ट वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जो सीविट है एशियन पाम सीविट सबसे ज़्यादा मरती है बेचारी। एक तो नॉकटर्नल है और रात्रि में अक्सर रोड के आसपास जब ये घूमती है तो वो एकदम इधर उधर कंफ्यूज हो जाती है, तेज़ गाड़ी में स्पीड आती है और वो रौंद के चले जाते हैं। बड़ा लॉस है, तो हम ये वाइल्ड लाइफ जो नाइट की ड्राइव दिखा रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि लोगों को ये समझदारी अपने अंदर लेके आनी चाहिए कि नाइट में ना ऐसी जगहों में बहुत हल्के चलिए, कम स्पीड में चलिए। काफ़ी रेयर एनिमल होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, जो रात्रि में चलते हैं, आप उनको हमेशा अपने से ज़्यादा अहमियत दीजिए क्योंकि ये जंगल उनका, ये रोड उनकी है, पहला हक उन्हीं का है। तो बाकी ये विनती भी है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है खासकर उनको इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए और कोई नियम बनना चाहिए जहाँ पे गाड़ी की स्पीड लिमिट कंट्रोल में हो ताकि ऐसे एक्सीडेंट ना हो आगे से। और पता है ये चीज़ बोलने वाला भी कोई नहीं है, ये चीज़ें देखते हैं लोग इग्नोर करते हैं बस, इनको कोई एनिमल आएगा वो अपना साइड कर देगा और जिसकी गलती है वो कभी ये चीज़ समझेगा नहीं। तो ये एक हमारी नाइट ड्राइव की मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों के सामने आती ना, ये बहुत बड़ा क्राइम है जिसने भी करा है, मतलब कि एक तो उसकी तेज स्पीड इसका कारण है। आपको लग रहा होगा कि ये अकस्मात हो गया होगा, देखिए हम भी चलते हैं, एक लिमिट होती है स्पीड की, अगर आप स्पीड लिमिट में चल रहे ना कभी कोई एनिमल नहीं मारा जाएगा। हाँ वीडियो बना रहे हैं 20 की स्पीड में चल रहे हैं और एकदम
एकदम देख रहे हैं आप, वो गाड़ी से चीज़ें समझ रही है और लाइट पड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर आ रही है, फिर चले जा रही है। लेकिन क्या है कि अगर हमारी स्पीड तेज़ होती वो अंदर जाती फिर बाहर आती और कंफ्यूज हो जाती तो मारी जाती, तो कारण वही है एक स्पीड लिमिट। तो जी ये है फिर, बाकी यही है कि स्पीड लिमिट देखिए मतलब कंट्रोल होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, और स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसमें ना। आप यहाँ पे क्या है कि आप कहना क्या चाहिए, मतलब यार कोई एक्टिव ही नहीं है भाई, आप कैसी स्पीड में चल लो क्या चल लो किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जो हुआ वो हुआ वाला हिसाब चल रहा है। और ये देखो ऐसे बड़े बड़े टूरिस्ट बस जाते हैं।